प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, ये जो टॉपिक चल रहा है ये कवि जयशंकर प्रसाद जी के आंसू काव्य से लिया गया है। इस टॉपिक को हम काफ़ी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, अभी ये टॉपिक हमारा समाप्त नहीं हुआ है। बस एक दो पदों के बाद में ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो देखो, इसको हम पढ़ करके सुनाते हैं और इसका अर्थ करते हैं। तिर रही ऐ तृप्ति जल्दी में, तिर रही ऐ तृप्ति जल्दी में, नीलम की नाव निराली। तिर रही अतृप्ति जल्धि में, नीलम की नाव निराली। काला पानी बेलासी है अंजन रेखा काली। तिर रही अतृप्ति जल्धि में, नीलम की नाव निराली। काला पानी बेलासी है अंजन रेखा काली। नीचे देखो, अंकित कर क्षितिज पटी को, अंकित कर क्षितिज पटी को, तूलिका बरौनी तेरी। अंकित कर क्षितिज पटी को, तूलिका बरौनी तेरी। कितने घायल हृदयों की, कितने घायल हृदयों की, बन जाती चतुर चितेरी। कितने घायल हृदयों की, बन जाती चतुर चितेरी। तो देखो, ये पद हमने पढ़ा है, इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हुए हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। देखो कौन कौन से कठिन शब्दार्थ आए हैं। अतृप्ति, जल्धि, अंजन, तूलिका, चितेरी, ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। तो देखो, हम इन कठिन शब्दार्थों को यहाँ लिख देते हैं। अतृप्ति, जिसकी लालसा पूरी नहीं होती है उसे कहते हैं अतृप्ति, लालसा की पूर्ति नहीं होना। लालसा की पूर्ति नहीं होना, जिसकी लालसा की पूर्ति नहीं होती है वो अतृप्ति कहलाती है। अब देखो, जल्धि, जल्धि ये किसका पर्यायवाची है? सागर का, समुद्र का पर्यायवाची है। तो जल्धि माने समुद्र, समुद्र या सागर, जल्दी माने समुद्र या सागर। अंजन, अंजन का मतलब होता है जो आंखों में लगाते हैं काजल, उसको कहते हैं अंजन। तूलिका, तूलिका किसे कहते हैं? तूलिका कहते हैं कलम को। और चितेरी, चितेरी का अर्थ क्या होता है? चित्रकार। तो देखो बच्चों, ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। अतृप्ति कहते हैं लालसा की पूर्ति नहीं होना,
जल्दी कहते हैं समुद्र या सागर को। अंजन माने काजल, तूलिका कहते हैं कलम को, और चितेरी चित्रकार, चितेरी कहते हैं चित्रकार। तो देखो अब इस पद का हम अर्थ करते हैं। तिर रही अतृप्ति जल्दी में, नीलम की नाव निराली, काला पानी बेलासी है अंजन रेखा काली। देखो ये जो पद्यांश है ये आंसू काव्य से रचित है और जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। मतलब यह अवतरण जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य से उद्धृत है। इसमें कवि जयशंकर प्रसाद जी ने प्रिया के नेत्रों एवं उनकी बरौनियों की सुंदरता का वर्णन किया है। प्रिया के नेत्रों एवं उनकी बरौनियों की सुंदरता का वर्णन किया है। तो यह कवि उनकी सुंदरता का बखान कैसे करते हैं, तो देखिए कवि जयशंकर प्रसाद जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रियतमा के, मेरी जो प्रियतमा है, मेरी जो प्रिया है, प्रेमिका है, उसके सुंदर काले नेत्रों को देख करके, उसके जो सुंदर काले नेत्र हैं उनको देख करके मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अथाह सागर में, मानो अथाह सागर में नीलम की अनोखी नाव या निराली नाव तैर रही है। कवि कहते हैं कि मुझे मेरी प्रिया के सुंदर और काले नेत्रों को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे कि अथाह सागर में नीलम की निराली नाव तैर रही है। काला पानी बेलासी है अंजन रेखा काली, उसके नेत्रों पर काजल की काली रेखा है, उसके नेत्रों पर काजल की कौन सी रेखा है, काली रेखा है, काजल की काली रेखा है। वह रेखा उसके बीच में चमकती हुई, वह रेखा उसके बीच में चमकती हुई बरौनी काले पानी में स्थित घड़ी की तरह, घड़ी की तरह दिखाई देती है। अर्थात ऐसी लगती है जैसे कि कोई जल घड़ी हो। कवि कहते हैं कि जो मेरी प्रियतमा है, मेरी जो प्रिया है, उस प्रियतमा के जो नेत्र हैं, आंखें हैं, वो अतृप्ति के सागर हैं, जिनकी कभी लालसा पूरी नहीं होती है, क्योंकि उन्हें लगातार देखते रहने पर भी उत्कंठा बनी रहती है, उसकी आसक्ति कम नहीं होती है। देखो प्रियतमा के नेत्रों की जो काली रेखा है, उस काली रेखा नेत्रों के लिए काले पानी के दंड की सीमा रेखा बन गई है, काले पानी के दंड की सीमा रेखा बन गई है, जो कि लगातार पिपासा बढ़ा रही है, लगातार पिपासा बढ़ा रही है, उससे अतृप्ति बढ़ती जा रही है। अंकित कर क्षितिज पटी को तूलिका बरौनी तेरी, कितने घायल हृदयों की बन जाती चतुर चितेरी। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हे प्रिय, जो तुम्हारे नेत्रों के सौंदर्य को, जो तुम्हारे नेत्रों के रूप सौंदर्य को देखना चाहता है, उसके लिए ये तुम्हारी जो बरौनियां हैं, ये तुम्हारी जो बरौनियां हैं, ये पलकों के चित्रपट पर चतुर चित्रकार की भांति, पलकों के चित्रपट पर चतुर चित्रकार की भांति सुंदर नेत्रों का चित्र बना देती है या अंकित कर देती है। कवि कहते हैं कि हे प्रिय, जो तुम्हारे नेत्रों का जो रूप सौंदर्य, जिसे कोई भी देखना चाहता है, उसके लिए ये तुम्हारी जो बरौनियां हैं, ये पलकों के चित्रपट, पलकों के चित्रपट पर चतुर चित्रकार की भांति
ये सुंदर नेत्रों का एक चित्र अंकित कर देती है। तुम्हारे नेत्रों के ऐसे अनोखे रूप सौंदर्य को देखने वालों, अनोखा जो रूप सौंदर्य, तुम्हारे नेत्रों का जो रूप सौंदर्य है उसको देखने वालों के हृदय घायल हो जाते हैं। इतना अच्छा रूप सौंदर्य है, इतनी सुंदर दिखाई देती हो। तो तुम्हारी ये बरौनियाँ हैं, तुम्हारी जो बरौनियाँ हैं नेत्र सौंदर्य का चित्र बना करके घायल हृदय पर एक मरहम का काम करती हैं। तुम्हारी जो बरौनियाँ हैं नेत्र सौंदर्य का चित्र बना करके घायल हृदय पर एक मरहम का काम करती हैं। तो देखो, इसमें कवि जयशंकर प्रसाद जी ने उस नायिका की जो कि उनकी प्रेमिका है, प्रियतमा है, उसके नेत्रों की शोभा का वर्णन किया है और बरौनियों की सुंदरता का भी बहुत वर्णन किया है। इसमें रूपक, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानविकरण अलंकार, उपमा अलंकार आदि का भी इसमें प्रयोग किया गया है। देखो बच्चों, ये जो पद है ये उससे अगला वाला पद है। तो देखो, हम पढ़ाते हैं, कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भूमे बल देखा। कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भूमे बल देखा। विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दानों कैसे, विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दानों कैसे, है हंस न सुख यह फिर क्यों, है हंस न सुख यह फिर क्यों, चुगने की मुद्रा ऐसे। विकसित सरसिज वन वैभव मधु उषा के अंचल में, विकसित सरसिज वन वैभव मधु उषा के अंचल में, उपहास करावे अपना जो हंसी देख ले पल में। देखो बच्चों, ये पद है, इसके हम कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आया कपोल पाली, कपोल पाली कहते हैं जो गाल रूपी भित्ती होती है उसे कपोल पाली कहते हैं। मतलब गाल के जो दीवार है गाल की, उसे कहते हैं कपोल पाली, गाल रूपी भित्ती। स्मित रेखा कहते हैं मुस्कान, विद्रुम। अब आया शब्द विद्रुम, आप सभी जानते हैं विद्रुम का मतलब होता है मूंगा, एक रत्न होता है। विद्रुम माने क्या होता है, विद्रुम माने होता है मूंगा, जो रत्न होता है। और संपुट का मतलब है, संपुट होता है क्या, मोती का जो कवच होता है, मोती के ऊपर जो ऊपर का आवरण होता है वो संपुट कहलाता है। मोती का ऊपर का आवरण,
देखो संपुट का मतलब होता है मोती का कवच, शुक माने तोता, शुक माने तोता, और सरसिज, सरसिज कहते हैं कमल को, सरसिज किसका पर्यायवाची है कमल का, मधु माने मधुर और उपहास माने मजाक या हंसी। तो देखो बच्चों ये इसके कठिन शब्दार्थ थे, अब हम इसका अर्थ करते हैं। कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भूमे बल देखा। प्रस्तुत अवतरण कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य से लिया गया है। इसमें कवि ने प्रियतमा की सुंदरता का वर्णन किया है तथा उसके कपोलों पर फैलने वाले, कपोलों पर फैलने वाली मुस्कान या हास्य, बहु की वक्रता एवं नासिका आदि के सुंदरता का वर्णन किया है। तो देखो कवि जयशंकर प्रसाद जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रियतमा के, कवि जयशंकर प्रसाद जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो मेरी प्रियतमा है, यद्यपि मेरी प्रियतमा के अधर, मेरी प्रियतमा के अधरों पर या होठों पर जो निश्चल हंसी उसके दोनों कपोलों पर सुशोभित हो रही है, यदि मेरी प्रियतमा के अधरों पर जो निश्चल हंसी है, सरल निश्चल हंसी है, वे उसके दोनों कपोलों पर, दोनों गालों पर सुशोभित हो रही है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है, तथापि उसके स्वरूप को बहु की बंकिम छवि में, तथापि उसके स्वरूप को बहु की बंकिम छवि रूप में देखा जा सकता है। बहु की जो भौं, भौं हमारी आंखों के ऊपर जो भौंें होती हैं, उस भौं की जो बंकिम छवि है उस रूप में देखा जा सकता है। बंकिम कहते हैं तिरछी, तिरछी छवि को देखा जा सकता है। कवि कहते हैं, कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि यद्यपि मेरी प्रियतमा के अधरों पर जो मुस्कान फैली हुई है, मेरी प्रियतमा के अधरों पर जो मुस्कान, जो सरल निश्चल मुस्कान उसके दोनों कपोलों पर सुंदर दिखाई दे रही है, सुशोभित हो रही है, तथापि उसके स्वरूप की बंकिम छवि रूप में भी उसकी बहु को देखा जा सकता है। विद्रुम सीपी सपुट में मोती के दानों कैसे है हंस न सुखी है, ये फिर क्यों चुगने की मुद्रा ऐसे। कवि कहते हैं उसके मूंगे से बने हुए सीपियां, मूंगे से बनी हुई जो सीपियां होती है ना, कवि कहते हैं उसके मूंगे से बनी हुई सीपियां उसके होठों रूपी लाल सीपियों के संपुट के अंदर, उसके अधरों रूपी लाल सीपियों के संपुट के अंदर जो उसके सफ़ेद दांत, एकदम शुभ्र सफ़ेद चमकीले दांत रूपी जो मोती हैं, दांत रूपी मोती के जो दर्शन हैं, वे नासिका के रूप में, नासिका के रूप में दिखाई देते हैं। नासिका रूपी तोता, जैसे कोई नासिका रूपी तोता बैठा हो ऐसे दिखाई दे रहे हैं। वह इन मुक्ताओं को कैसे चुग सकता है, जो ये मुक्ता हैं, ये मोती हैं, इनको कैसे चुग सकता है, अर्थात नहीं चुग सकता, ये नासिका रूपी तोते चुगे नहीं जा सकते। इसी कारण ये दांत रूपी मोती हैं जो खूब चमकते रहते हैं, खूब दिखाई, चमकते हुए दिखाई देते हैं। विकसित सरसिज वन वैभव मधु ऊषा के अंचल में, उपहास करावे अपना जो हंसी देख ले पल में। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कवि जयशंकर प्रसाद जी अपनी प्रियतमा के हास्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रियतमा के मधुर हास्य में,
जो प्रियतमा के मधुर हास्य में उल्लास और मधुरता देखने को मिलती है। प्रभात काल की बेला में सुगंध से युक्त कमल के पुष्प समूह में भी वह विकास और सौंदर्य ढूंढने पर भी नहीं मिल सकता। वह विकास और सौंदर्य ढूंढने पर भी नहीं मिल सकता कमल के पुष्पों में। उस सुंदर, उस शोभायमान मुख का, वो जो शोभायमान मुख है मेरी प्रियतमा का, उस मुख की शोभा को यदि कोई व्यक्ति एक पल के लिए भी देख ले, एक पल के लिए भी ये इन विकसित कमलों को देख ले, तो उससे उनका स्वयं ही उपहास हो जाएगा, मतलब स्वयं ही हंसी के पात्र बन जाएंगे। मतलब उस जो मेरी प्रियतमा है, उस प्रियतमा के जो विकसित कमल, जो विकसित कमल हैं, उनको अगर एक क्षण के लिए भी कोई व्यक्ति देख ले तो वह उपहास का पात्र बन जाएगा। तो बच्चों, ये प्रेमिका के, प्रेमिका की रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है और प्राकृतिक सुषमा का भी वर्णन इसमें किया गया है। इसमें अनुप्रास और अतिशयोक्ति, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।